बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश स्लीव एंड दामन का डिज़ाइन लेके आई हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा और आप ये डिज़ाइन बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलें वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पेस्टिंग पेपर लिया है। यहाँ पे देखें, ये 2 इंच और इधर से 2.5 इंच रखा है हमने। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम डिज़ाइन ड्रा करेंगे इधर से ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे हम फुल बनाते हुए नीचे तक ले जाएंगे। तो इसको ऐसे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इधर से हम इसकी कटिंग करेंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे अपने गोलाई में कटिंग करते जाना है। जैसे हमने ये मार्क किया हुआ है वैसे ही इसकी कटिंग करनी है ऐसे। तो ये देखें, ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हुआ है। अब हम इसको ऐसे दूसरे पे भी ड्रा करके बनाएंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके वो जो हमने बनाया है उसको इसके ऊपर रख के ड्रा करेंगे और फिर कटिंग करेंगे ताकि हमारे सारे पीसीस एक जैसे आएँ। तो इधर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये सारे पीसीस मैंने कट कर लिए हैं, देखें आप। अब हम फैब्रिक लेंगे, वाइट कलर का मैंने फैब्रिक लिया है। इस पे इसको पेस्ट करेंगे आयरन की हेल्प से। तो तब तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखें, मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके कॉर्नर पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। दोनों को पहले अलग करेंगे हम। ये देखें, ऐसे ऐसे। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है इस तरह से, और इधर हम छोटे छोटे कट्स के कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। और इसको ऐसे कट के करके फिर हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये देखें, किसी भी नोकीली चीज़ की हेल्प से आप इसके ये नोके बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आराम आराम से निकालनी है ताकि जो हमने अंदर की तरफ सिलाई लगाई है वो बिल्कुल भी कट ना हो, ख़राब ना हो। इसको ऐसे हम बाहर निकाल लेंगे। सारे बाहर निकालने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे और बाकी पीसेस भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो बाकी पीसेस रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, सारे पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमने बुकरम की एक रेप पट्टी कट की है, उसे फैब्रिक पे अटैच करके रेप हमने पट्टी कट कर ली है। ये देखें, इसको अब हम दोनों साइड से पहले फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर एक बार इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको पानी से गीला करके हमने हाफ़ सर्कल की शेप दे लेनी है। मैंने क्लिप बनाया था लेकिन वो गलती से मिस हो गया, तो ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप फिर भी आपको समझ ना लगे तो मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जिसपे ऐसे सर्कल मैंने बना के लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। कि मैंने हाथ से बटन बनाए हैं। तो अब हमने लेना है एक पेपर, ये पेपर लिया है। इस पेपर पे सबसे पहले हम ये रखेंगे ऐसे, बुकरम वाली साइड हमने ऊपर रखनी है। उसके बाद हम इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, फिर ये बटन ऐसे लगाना है हमने। तो अभी फ़िलहाल हम ये रख के इधर से इस पर सिलाई लगाएंगे, बटन बाद में हमने अटैच करने हैं नीडल की हेल्प से। ऐसे हम रखेंगे
देखें कितनी अच्छी शेप आ रही है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम अपना स्लीव लेंगे, ये हमारा स्लीव है, और इस पे इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद हमने स्लीव के साथ का फैब्रिक लिया है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, ताकि ये फोल्डिंग वाला कपड़ा जो है ये हमारा ये ऊपर आए। इसको ऐसे रखने के बाद इधर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब जब हम इसको सीधा करेंगे ऐसे, तो नीचे से देखना कि हमारी कितनी अच्छी सफाई आएगी। तो अब हम इसको पहले अलग कर लेंगे, ये जो हमने पेपर लगाया था, ये देखिए कितनी ईजीली उतर गई, और नीचे से देखें कितनी अच्छी शेप आई है ऐसे। ये एक्स्ट्रा धागे में कट कर लूँगी। आप देखें कि नीचे से भी हमारी कितनी अच्छी और कितनी नीट हमारी शेप आई है। इसको हम इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे, और आप चाहें तो तरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर तरपाई करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके बाद हम निडल की हेल्प से ये जो बटन बनाए थे मैंने, ये हम अटैच करेंगे। तो ये मैंने धागा लगा लिया है इधर से ऐसे, और एक बटन लेंगे इसको ऐसे। ऐसे मैं इसको इसके साथ अच्छे से अटैच कर लूँगी। सही पक्का करना है ताकि ये हमारा ख़राब ना हो, बटन बाद में उतर ना जाए। तो ये मैंने सारे मोती लगा के तरपाई करके स्लीव रेडी कर लिया है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आप ये डिज़ाइन बनाएंगे कि नहीं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।